योग महोत्सव के शुभ समारंभ में प्रमुख आचार्य मार्गदर्शक ने भारद्वाज जी को अनेक राज्यों से आस्था भाव से आए हुए सभी लोग गणमान्य लोग आप सभी को इस स्वामी निर्मलानंद महाराज के तपोभूमि से इस अभयारण्य से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। ಸೋಮಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೇನು ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೀವನ ಮೇ ಯೋಗ ಕಾ ಮತಲಬ್ ದೇಶ ಕೋ ಜೋಡ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಕೋ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವ ಕುಲ ಕೋ ಮಿಲನ ಸಮಸ್ತ ಶರೀರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವಿಕಾಸ ಹೋನ ಔರ್ ನಿರಂತರ ಹಮಾರ ವಿಚಾರ ಶುದ್ಧ ಔರ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಹೋನೆ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಹೈ. ಇಸ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮೇ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಘೃಣ ನಫರತ್ ಇಸ್ಮೇ ಬೀತನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಬೀತನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಏಕ व्यवस्थित जीवन के लिए और एवं इसके परे होने के लिए योग बहुत सहारा देता है. योग का मतलब हमारा जीवन का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमेशा प्रयत्न करता है, प्रेरणा देता है. उपनिषद में एक मंत्र कहते हैं, प्रणवो धनहो शरहो आत्मा ब्रह्म तलक्षण मुच्यते. एक धनुष है, धनुष का एक दाग है, दाग कितना पीछे खींचता है उतना तेज बाण जाते हैं, लक्ष्य तक पहुंचता है. ये शरीर एक धनुष है, इसमें मन बुद्धि एक बाण है, दाग है, इसको कितना अंतर्मुख करता है, कितना आपको भीतर जाता है उतना आपका सत्य का साक्षात्कार स्वयं प्रकाश का प्रज्वल आपको अनुभव होता है. इसलिए योग ध्यान क्यों जरूरत, इसके लिए जरूरत है हमारा इंद्रिया. भगवान ने ऐसा दिया है, हमेशा बाहर देखता है, बाहर का जगत का ज्ञान होता है. इससे कितना ज्यादा ज्यादा देखते रहते है उतना मन हमेशा कलुषित होते रहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध में कलुषित होते रहते हैं. ये वासना भी निर्माण होता है, ये संस्कार बढ़ के हर व्यक्ति को इस धरती पे खींच के लाता है. इसीलिए इसको शुद्ध करने के लिए, इसको मुक्त करने के लिए एक साधना है ध्यान साधन, योग साधन, भीतर के शरीर का शुद्धि का साधन. एक इस आंतरिक शुद्धि के लिए योग महोत्सव के द्वारा द्वितीय योग महोत्सव समारंभ कर्नाटक में यह हमारा आश्रम में यह 3 दिन तक लगातार यह शिविर चल रहे हैं. आप भी जीवन में अपना अपना जवाबदारी है, अपना अपना हर व्यक्ति को जवाबदार है. सब जवाबदारी को थोड़ा मुक्त होकर और दूसरों को भेज कर आप यहाँ शांति प्राप्ति के लिए, पंच प्राणी को आवाज़ सुनने के लिए, प्रकृति को महसूस करने के लिए, अच्छा अच्छा बात सुनाई सुनने के लिए और यहाँ जीवन में सात्विकता प्राप्ति के लिए आप बहुत श्रद्धा से आए हुए हैं. इसलिए यह आपको क्या मिलता है, कोई वस्तु नहीं मिलता है, बहिरंग का बाह्य वस्तु नहीं मिलता है. आप यहाँ से क्या ले जाने वाले, यहाँ से कोई वस्तु नहीं ले जा सकता है. हर मंडी से ले जाता है तो झोली भर के जाता है, यहाँ वहाँ मस्तिष्क भर के जाना है. यहाँ दिमाग में क्या है ना, सब यहाँ नकारात्मक हटा के सकारात्मक हमारे झोली में ले जाना है.
साधु सन्यासियों को आश्रम में बड़ा त्यागी तपस्वी महात्मा के जीवन में क्या मिलता है, दुनिया में क्या मिलता है, दुनिया में सभी ऐसा मिलता है ना, ये नहीं मिलता है, आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। इसी कारण आप यहाँ आए हुए हैं। जीवन में एक एक बात भी बहुत अनमोल है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और हृदय विशालता होने के लिए और जीवन समृद्ध प्राप्ति के लिए एक एक बात भी बहुत अनमोल है। एक बार देवेंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर का भाई थे, उनका बहुत ज्ञानी विद्वान थे, बहुत बड़ा साहित्यकार भी थे। एक बार क्या हुआ, जीवन में कोई घटना के लिए नाराज होकर अपना जान छोड़ने के लिए तैयार हुआ था, होकर अकेला ऐसे जंगल में आकर बैठे थे, हवा जोर चल रहा था। उस समय क्या हुआ, एक पन्ने आ गए उनका सामने गिरा हवा से आकर। वो पन्ने में क्या लिखा था, ईशा वश्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदः कस्य सिद्धन। ये सब सृष्टि ईश्वर के है, सभी मानव कुल ईश्वर के निर्माण हुए है, इसलिए आप क्यों सोच रहे, आप क्यों दुख कर रहे, आप क्यों नाराज हो रहे, एक ही भावना करो, समर्पण करो, इसका हल मिल जाता है। इसको त्याग करो, हमारा क्या क्या है ना, हम वो त्याग करो, ईश्वर इसमें भर जाता है। कितना एक कुआं पे घड़ा छोड़ने से हवा खाली होता है, उतना पानी भर जाता है। हमारा संसार का विषय कितना बाहर निकलता है, ऐसा ज्ञान भर जाता है। उनको समझ में आ गए, उन्होंने नया व्यक्ति होकर उपनिषद के बारे में लिखा है। उन्होंने भी एक पन्ने का एक ईशा वास्तमिदम अनुव एक सूत्र उनका जीवन परिवर्तन किया। आगे संत महात्मा को एक एक बात जीवन का नया दिशा में ले जाता है। तीन दिन शिविर में आपको अनेक ज्ञान का विषय यहाँ प्राप्त होता है, आप पाते हैं, इसलिए आपको समर्पण किए यज्ञ में। यज्ञ में क्या वस्तु समर्पण किया, ऐसा भावना में भी वस्तु अर्पण होता है, हमारा राग देश घृणा सब उसके अर्पण होता है। ज्ञान अंधकार अर्पण होने से आपको अग्नि प्रज्वलत है, ज्ञानाग्नि प्रज्वल होता है, ये भी हो गया। और दूसरा शुद्धि क्रिया भी होता है, और यह अनेक प्रकार के ज्ञान का मिलता रहता है तीन दिन के लिए। इस तपोभूमि के बारे में मैंने पहले दिन कहा है, स्वामी जी भी बहुत बड़ा विद्वान थे, 10 भाषा में हासिल थे और मिलिट्री मेजर योद्धा भी थे। हिरोशिम नागासाकी युद्ध रशिया कम्युनिज्म भारत विभाजन में सभी यात्रा विश्व पर्यटन यात्रा करके मैसूर में आकर, मैसूर से भी वहाँ आगे इंडिया भारत में हिमालय हरिद्वार ऋषिकेश चारुधाम और साबरमती आश्रम विनोबा भावे आश्रम पांडे अरविंद आश्रम रमण महर्षि आश्रम ऐसा 220 स्थानों पे यात्रा करके यहाँ आकर 11 साल तक मौन रहकर 40 साल तक यह तप किया। इसलिए यहाँ कोई भी आत्मा है ना, कोई भी आदमी अंदर गेट के अंदर आने से एक सकारात्मक ऊर्जा का महसूस होता है, वो स्वामी जी का तप है। उन्होंने 40 साल तक गेट का बाहर भी नहीं गया, क्योंकि उन्होंने विश्व पर्यटन करके आए थे, उन्होंने 6 किताब भी लिखा है इस स्थान में, इसलिए बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते रहते हैं। जंगल में रहने से भी जंगल में मंगल है, जंगल में सब शांति है, इसलिए सदा लोग आते रहते हैं। आप भी यह हमारे आश्रम में आए हुए कार्यक्रम के लिए, ये हमारा पेंडल का जरूरत नहीं, वृक्ष पंडाल है, यहाँ का वाद्य बाजी बजंत्र का जरूरत नहीं, हमेशा सुनते रहते हैं, देखो पंच का आवाज़ सुनते रहते हैं। आपको फैन एसी का जरूरत नहीं, हवाई कितना शुद्ध हवा है, आपको फिल्टर वाटर भी जल जरूरत नहीं, शुद्ध जल है। और यहाँ रहने से 3 दिन में आपको चेहरा बदलता है, क्योंकि प्रसन्नता भी होता है, मस्तिष्क भी प्रसन्न होता है, स्वास्थ्य भी सुधारता है, शारीरिक मानसिक आरोग्य यह सुधारता है।
इसलिए तपोभूमि दूर दूर से विदेश से भी एक एक दिन रहने के लिए अपना हजारों किलोमीटर से आते, आप भी यहाँ भारत में यहाँ आ गए, या स्थान का महसूस भी आप कर रहे, इसलिए पहला हमारा सरिता जी योगेश चात्रा उन्होंने पहला कहा हमारे भारत ध्वज को, यह हमारा ऐसा गुरु जी है, यह आश्रम है, मैं भी पहले वही रुके थे, इसलिए स्वामी जी भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल में सब देखा। हमारा महेंद्र जी बार बार फोन करते थे, स्वामी जी सब लोग पूछ रहे गर्म पानी की व्यवस्था है ही नहीं, वो बेड का व्यवस्था है ही नहीं, भोजन का व्यवस्था है नहीं, आप चिंता मत करो भाई, आप शादी के लिए नहीं रही, आध्यात्मिक साधन के लिए जा रही, साधन में थोड़ा आगे पीछे होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं। उनको सब बाकी के लोग पूछते हैं, नहीं मैंने कहा ऐसा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप विश्वास से आइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ हमारा आश्रम में कैसा है पता है, मुझको भी यहाँ नया अनुभव हो गया, हमारा आश्रम छोटा है, वो अक्षय पात्र का आश्रम है, वो कुछ भी कोई भी आता है ना, किसी भी देना प्रसाद कराना कम नहीं होता यार, सब लोग संतुष्ट से रहते हैं, ये हमारा घर से क्यों कर रहा है, हमारा शक्ति नहीं, हमारा गुरु जी का शक्ति है, स्वामी निर्मलानंद का महास्वामी जी का शक्ति है, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक तप किया, उन्होंने इतना देश विदेश के लोग आने के बाद भी उनको बहुत लिमिट भोजन करते थे, दो बार खुद बना के करते थे, और खुद कोई का अंदर कोई के किसी को नहीं छोड़ते थे, वो तप करते थे, उन्होंने खुद को खिलाते थे, ज़्यादा बात नहीं कराते थे, बहुत स्ट्रिक्टली थे स्वामी जी, मिलिट्री था ना, डायरेक्टली बात करते थे, कोई भी किसी गलत होता है, और एक पेन खो गए एक बार 10,000 रुपये खर्च करके वो पेन लाए स्वामी जी ढूंढ के, ऐसा स्ट्रिक्टली थे, इसलिए यहाँ के लोगों को सभी आसपास के लोगों को पता है यहाँ स्वामी जी के पास कोई चोरी करना ये करना नहीं चलता, इसलिए यहाँ आता है सीध निकलता है यहाँ, स्वामी जी ऐसा थे। इस प्रकार उन्होंने 97 में 80 साल उम्र में खुद उन्होंने पहले बता के उत्तरायण मार्ग में अपना शरीर छोड़ दिया, इसलिए उनको समाधि दर्शन के लिए सभी लोग आता है। ईशा फाउंडेशन के गुरु जी के भी ये गुरु जी है, मार्गदर्शन गुरु जी है, हमारा जगत गुरु जेएसएस के महाराज 70-71 में भी यहाँ आते थे, ऐसे बड़े बड़े लोग भी यहाँ आए हुए हैं, और आप सुने हुए हैं स्वामी रामा हिमालय के, हमारा स्वामी रामा है ना, वो प्रणवानंद समझ उनको शिष्य वो मित्र थे, वो उनके आश्रम में रहते थे, ये ऐसे एक हिमालय का से भी जुड़े हुए हैं यह आश्रम, और विश्व से जुड़े है, एक ज्ञान परंपरा है, हमारा स्वामी जी सभी को भेद नहीं करते थे, उन्होंने वर्ग वर्ण का भेद नहीं करते थे, कोई धर्म हो वर्ग हो वर्ण हो, उन्होंने समस्त मानव कुल एक ही कहते थे, समस्त मानव कुल का प्यार करना एक धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, प्रकृति धर्म है उनका, इसलिए इसी इस शास्त्र में कोई भी सभी लोग आता है, सभी लोगों को ज्ञान देना है, ये प्रकृति किसी को नहीं पूछता है, समस्त मानव कुल को कितना मनोइच्छाएँ वो सब पूर्ण करने वाला धरती माँ है, ऐसा प्रकृति धर्म मानते थे, प्रपंच का मानव कुल एक कहते थे, सभी को गिराने वालों को उठाने वाला, और अज्ञान में रहने वालों को रोशनी देना, अंधकार में रहने वालों को प्रकाश देने वाला ये धर्म ही कहते थे स्वामी जी, इसलिए आप यहाँ आए हुए हैं। द्वितीय योग महोत्सव लोकार्पण उद्घाटन हो चुका है, आचार्य जी भी आपको मार्गदर्शन किया है, आपको भी सभी को हमारा प्रकृति का आश्रम है, आप सब लोग दूर दूर से आए हुए हैं, थोड़ा आगे पीछे होता है तो साधन में ध्यान देना, इसमें ध्यान नहीं देना जाना, कोई होता है तो कहो, आपको किसी भी तो क्या साध्य है या मिल जाता है, यह सब महेंद्र ने अच्छा सुविधा किया, कोई दिक्कत नहीं, सब आकर पहले सभी प्रकार का सुविधा किया, भोजन बनाने वाला भी अच्छा बनता है, यह प्रकृति ने साफ सफाई हमेशा रखते है, आप कभी भी आए आश्रम में, आपका आश्रम है, शिविर होने के बावजूद भी कितना दिन भी रहे आराम रहे रहता है तो अपना भोजन आपने करना पड़ता है, तो करके आप आराम भोजन करके आप कितना दिन भी रह कर साधना कर सकते हैं, आप जाने के बाद भी परिवार के भी साथ भी लेकर आ सकते हैं एक पूरा देखने के लिए, ऐसा हमारा विनती है, आइए यह योग शिविर यशस्वी हो मंगलमय हो।
आगे विश्व भर देश भर फैलाते हुए, और इस बार 15-20 लोग से 20,000 लोग हो, ये हमारा आशीर्वाद है, हमारा संकल्प है। 20 लोग नहीं, आप पूरा भारत यहाँ है, पूरा भारत यहाँ बैठा है, इसलिए पूरा विश्व में फैलते होना चाहिए। अभी योगा सभी को ज़रूरत है, जल वायु कितना ज़रूरत है, रोज़ ऐसा योग भी ज़रूरत है, ज्ञान भी ज़रूरत है, उस ज्ञान को सभी लोग जोड़ने के लिए हमारा आशय है, हमारा इच्छा है। ऐसा कहकर दो शब्दों को मंगल करता हूँ। मैं भी पहला कर्नाटक से बाहर नहीं गए थे, मैंने भी 20 साल यहाँ पे, अभी अभी पूरा भारत यात्रा करके हिमालय में 6 साल रुककर आपको एक दिन बताया था प्रवास पत्र में आपको कितना स्वर्ग है, जम्मू कश्मीर से आगे जाने से कितना खतरा है, हमारा महिला लोगों कितना देवी देवता वो जैसे मानते हैं हर घर में, दूसरे घर में ऐसा नहीं, उनको स्वतंत्र नहीं, इसलिए आपको बहुत भाग्यशाली है। हमारे घर में सभी महिला एक लक्ष्मी स्वरूप है, भगवती स्वरूप है, ऐसा मानता है। कौन सा घर में महिला संतोष रहते हैं वहाँ देवी देवता रहते हैं, कौन सा घर में महिला हमेशा खुशी से प्रसन्न से रहते हैं वही सब संतृप्त रहते हैं, ऐसा हमारा धर्म संस्कृत है। इसलिए आप भी आए हुए हैं, सभी को हमारा शुभकामना। आचार्य।